नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाल मिस्ट्री ज्ञान चैनल में। दोस्तों आज एक नई वीडियो के साथ हम फिर हाजिर हैं। आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि ज्ञान रेखा, कहते ना ज्ञान, ऐसा ज्ञान के लोग प्रसिद्धि की तरफ पहुंच गए थे, मशहूर हो गए थे और वो कॉलेज वगैरह नहीं गए थे। उनका ज्ञान इतना था, अपने ज्ञान के माध्यम से लोगों में एक छाप छोड़ दी थी, एक पहचान छोड़ दी थी। आज विख्यात है, आप सभी ने उनको पढ़ा है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे, कबीरदास जी थे, ऐसे लोग थे जो ज्ञानी थे। तो दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखें, इस वीडियो के माध्यम से आपको एक नई और रोचक जानकारी मिलने वाली है। और इसके पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। आइए अपने हाथों पर तीन मुख्य रेखाएं देखते हैं। सबसे पहले हमारी ये जीवन रेखा। जीवन रेखा हम जीवन के एक एक घटना क्रम के बारे में बताती है, और इसी प्रकार से हमारी ये मस्तिष्क रेखा, जिसको हम दिमाग की रेखा कहते हैं, हमारे मन के विचारों के बारे में बताती है, और इसी प्रकार से हमारी ये हृदय रेखा हमारे दिल के बारे में बताती है, हमारे प्रेम व्यवहार के बारे में बताती है। सबसे पहले मैंने आज बात की है, ज्ञान कितना भी हो इंसान का, उसके अच्छे गुणों से पहचान होती है, उसके अच्छे कर्मों से पहचान होती है। ज्ञान का मतलब विख्यात होना। कई लोग ऐसे महात्माओं ने अपने ज्ञान के दम पर उन्होंने काफी ख्याति मशहूर की है, प्रसिद्धि मशहूर की है, जो कि एक ही पर्वत है, वो सूरज का पर्वत है, और सूरज के पर्वत पे बने वाले एक शुभ चिन्ह है, वो आपको कहते ना नेम फेम देती है। इसी प्रकार से हम उस लक्षण को भी देखते हैं अपने हाथों पर। कहते ना कला को कलात्मक बना देता है ज्ञान का एक ऐसा भंडार है, जीवन में एक रोशनी की तरह फैल जाता है। इंसान ज्ञानी हो तो उसको उसके प्रचार करने की जरूरत नहीं है, उसका ज्ञान खुद ही एक दिव्य ज्ञान होता है, लोगों में एक छाप छोड़ देता है, एक पहचान कर देता है। ऐसे लोग हुए हैं, और सूरज का पर्वत का नाम लेते जहन में एक ही शब्द आता है, प्रकाश। जीवन में अगर कुछ मिलना है तो आपको प्रकाश से मिलना है, रोशनी से मिलना है। आप एक अलौकिक छाप छोड़ने वाले हो। अगर यही पर्वत और यही फिंगर आपकी अच्छी है, आप अपने क्षेत्र में तो जरूर प्रकाश को फैला लेंगे, अपने नाम को प्रसिद्धि में पा लेंगे, जैसे कि सूरज का पर्वत है। सूरज का पर्वत समानता उठा होना चाहिए, और ये सूरज की फिंगर बड़ी होनी चाहिए, और ये बड़ी जो हमारी फिंगर्स है ना, सारी बड़ी होनी चाहिए। ये आपके अग्रसर होने का एक संदेश देती है। अगर हाथ की रेखाएं हम कहते हैं तो इसको भी बहुत ज्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए, और जीवन में इस रेखाओं का बहुत महत्व होता है। अगर ये रेखाएं खड़ी हैं तो जीवन में हमेशा आगे बढ़ने का संदेश देती है। हम कह सकते हैं कि हमारे जो व्यवहार भी है वो मित्रतापूर्ण व्यवहार है, हम लोगों में एक पहचान पाने वाले हैं। अब ज्ञान की बात की है, प्रकाश की बात की है, कहते ना ज्ञानी बना देती है इंसान का। ज्ञान फेमस हो जाता है तो उसकी प्रसिद्धि हो जाती है। अब यहां पर एक फिश साइन, फिश की साइन, फिश की साइन पूरे प्रॉपर होने चाहिए, ये फिश की साइन।
नेम फेम दिलाती है, प्रसिद्धि दिला देती है, किस क्षेत्र में दिलाती है ना। अब ये ज्ञान के क्षेत्र में दिलाएगी। ज्ञान कैसे, ज्ञान रेखा होती है कैसे, ये सब हमारे मध्यमा फिंगर के और सन फिंगर के बीच में ये एक रेखा हो, ये रेखा, ये आपकी ज्ञान रेखा है। ज्ञान रेखा और सन रेखा में फर्क है। अब ये जो है ये सन रेखा है, ये सन रेखा है, लेकिन ज्ञान रेखा ये है। जितनी बड़ी ज्ञान रेखा होगी उतनी आपकी ज्ञान का प्रचार करेगी, ज्ञान का प्रसार करेगी, आपको उतना मशहूर कर देगी। और ये ज्ञान ऐसा फैलेगा कि एक दिव्य ज्योत की तरफ, प्रकाश की तरफ फैल जाता है। अभी जैसे मैंने बताया, कबीरदास जी कोई कॉलेज में नहीं पढ़े थे, रविंद्रनाथ टैगोर जी कोई कॉलेज में नहीं पढ़ने गए थे, लेकिन उनका ज्ञान जो था दिव्य ज्ञान था। हम कह सकते हैं कि उनके हाथों में ऐसी लकीरें नहीं होंगी जो एक प्रकाश की तरह विद्यमान था। और इसी के साथ ये गुरु का पर्वत है। गुरु का पर्वत सामान्यता उठा होना चाहिए। कहते गुरु ग्रह एक ज्ञान का ग्रह माना जाता है, एक विस्तार का ग्रह माना जाता है। और यहां पर एक अगर शुभ साइन है वो त्रिकोण है, ये त्रिकोण है। और यहां पर जो शुभ साइन एक और है, कहते ना ज्ञानी बना देते, फिजिकल साइन, ये फिजिकल साइन। ऐसे लोग अपने जीवन में बहुत अध्ययन करने वाले होते हैं और साथ में एक गुरु बलय बना हो, ये गुरु बलय बना हो, ये गुरु बलय बना हो, ये गुरु बलय। ऐसे लोग अध्ययन के क्षेत्र में किसी भी धर्म को, इनको धर्म से कुछ लेना देना नहीं है, इन्होंने ज्ञान हासिल करना है, अलग अलग तरह के ज्ञान हासिल करना है, कोई किसी धर्म का हो लेकिन मतलब इनका ज्ञान से है। लोगों में कैसे ज्ञान का एक दीवा जलाते हैं, लोगों में कैसे प्रसिद्धि पाते हैं, ऐसे लोग आप देखेंगे तो हर धर्म की इनके घर में एक बुकों का भंडार होगा और इनको सफलता भी मिलती है। अपने उस ज्ञान के दम पर अगर देखें तो इनको सफलता भी मिलती है। और इसी के साथ ये जो हमारा अंगूठा है, जिसको अंगूठा बोलते हैं, यहां पर एक दिव्य, जिसको हम बोलते हैं बुद्धाइस, ये बुद्धाइस, ये बुद्धाइस बना, ये बुद्धाइस। तीव्र बुद्धि के लोग होते हैं, आप इनके पास बैठेंगे तो आपके बारे में ये सब कुछ समझ आते हैं। कहते ना बुद्धाइस तीव्र बुद्धि को बताता है, तेज दिमाग को बताता है। और ऐसे लोग जीवन में काफी नेम फेम भी कमाते हैं, क्योंकि दूर की दृष्टि वही रखता है जिसको ज्ञान की पावर होगी। और परमात्मा देता है ऐसे लोगों को, ऐसे लोग नेम फेम तभी प्राप्त करते हैं, कुछ दूर की दृष्टिया, कुछ दूर की दृष्टि देखने में सक्षम होते हैं, उनका दिमाग कितना तेज रहता होगा। और इसी अपने ज्ञान के दम पर लोगों में प्रसिद्धि छोड़ देते हैं, एक छाप छोड़ देते हैं। तो दोस्तों ये रही आज की हमारी वीडियो, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। और आप सबका पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।